प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में चुनावी दौरे पर हैं। प्रदेश में आज प्रधानमंत्री दो चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वे दो दिन में चार रैली करने जा रहे हैं और मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दोपहर 2 बजे चित्तौड़गढ़ और 3:15 बजे बाड़मेर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और इसी तरह आपको बता दें कि सोमवार यानी कि 22 अप्रैल को दोपहर 2 बजे उदयपुर में और शाम 4:15 बजे जोधपुर में जनसभा करेंगे। और इन सीटों पर 29 अप्रैल को चुनाव होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद यह पहला दौरा है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जहां पर पीएम मोदी राजस्थान दौरे पर हैं। 22 अप्रैल को उदयपुर और जोधपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर हैं और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता अशोक शेरा फोनलाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी अशोक, बताए क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ अपडेट? जी लवीना, बताना चाहता हूँ कि जो जनसभा होगी यहाँ बाड़मेर में मोदी की, उसको पूरी तैयारियां वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो सारी तैयारियां वो पूर्ण रूप से की गई है। और यहाँ पर जो पब्लिक है, लोग सुनने आएंगे, वो लगातार आने शुरू हो गए हैं। और जो सुरक्षा व्यवस्था है, SPG की टीमें यहाँ आ चुकी है और बाकी जो पुलिस का भारी जाब्ता है वो जगह जगह तैनात है। अशोक, क्या आपकी वहाँ पे किसी से बात हो पाई है? वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, यहाँ के जो लोग हैं वो काफी उत्साहित है मोदी को लेकर। और आपको कि बाड़मेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आ रहे हैं बाड़मेर शहर में, और यहाँ को जो यहाँ के लोग हैं वो काफी उत्साहित है और मोदी की भाषण सुनने के लिए। अशोक, अभी कितनी देर में पहुंचेंगे जनसभा को, पहली जनसभा को संबोधित करने के लिए? मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक लगभग 4 बजे के आसपास बाड़मेर पहुंच जाएंगे और लोगों को यहां से अभी से आना शुरू हो गए हैं और 4 बजे तक यहां करीबन 1 लाख के करीब लोग पहुंच सकते हैं। अशोक, ये बताएं कि मुकाबला मानवेंद्र सिंह और कैलाश चौधरी के बीच होने वाला है 29 अप्रैल को, तो भाजपा किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है? जी निश्चित रूप से, जिस प्रकार से बाड़मेर में जो दो दावेदार है, जातीय समीकरण को देखते हुए पार्टियों ने यहां दावेदार उतारे हैं, उसको लेकर मुकाबला कड़ा है। मानवेंद्र सिंह की लगातार सभाओं में लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लोग समर्थन करते नजर, चौधरी के भी समर्थन में काफी लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो बाड़मेर की सीट है वो काफी हॉट सीट रहेगी और यहाँ कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी अशोक, आचार संहिता लगने के बाद पहली बार राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी, इसमें कैसा उत्साह कार्यकर्ताओं और समर्थकों में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है और बड़े बड़े पदाधिकारी है वो लगातार मोदी की सभा को लेकर यहाँ बाड़मेर के दौरे कर रहे हैं। कल यहाँ पर जो पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ भी बाड़मेर आए थे, उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके अलावा मदन लाल सैनी यहाँ पर 4-5 बार आ चुके हैं जो प्रदेशाध्यक्ष है राजस्थान के, और जो कार्यकर्ता है वो लगातार इनकी सभा को लेकर लोगों को भीड़ जुटाने में लगे हुए है और यहाँ पर एक उत्साह का माहौल है लोगों में। अशोक, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम देखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूर्ण रूप से अच्छी की गई है। जगह जगह पुलिस का जाब्ता तैनात है और जो उत्तरलाई से जहाँ नरेंद्र मोदी वहाँ बाड़मेर सभा स्थल पर आएंगे उस बीच में सारी जगह पुलिस और जो सुरक्षा व्यवस्था है, एजेंसियां हैं, उनके जवान तैनात है और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से मजबूत नजर आ रही है। जी अशोक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर हैं और आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पहली बार प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाड़मेर में दोपहर 2 बजे और चित्तौड़गढ़ में दिन में 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद पहली बार पीएम मोदी राजस्थान आ रहे हैं और उत्साह देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में, और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर हैं, आपको बता दें सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ में चुनावी रैलियों को सबसे पहले संबोधित करेंगे। बाड़मेर में दोपहर 2 बजे और फिर चित्तौड़गढ़ में 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 22 अप्रैल को उदयपुर और जोधपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 29 अप्रैल को चुनाव होना है राजस्थान में और इसी के मद्देनजर पीएम मोदी अब ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इसी के चलते बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ में सबसे पहले चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद 22 अप्रैल को उदयपुर और जोधपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पहला दौरा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इस लिहाज से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं।